बीएचई डिपार्टमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जिस तरह से गर्मी का कहर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में लोगों की मुसीबतें भी उसी तरह बढ़ती चली जा रही है। इस समय मैं हूं त्रिकुटा नगर वार्ड नंबर 54 में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां के स्थानीय के लोगों के द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, पानी की किल्लत जो है, इनको पानी की किल्लत का सामना लगातार करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से यहां पर पानी नहीं आया है और बार बार पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ शिकायत करने के बावजूद भी इनकी सुनवाई जो है नहीं हुई है। क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, जानने की कोशिश करते हैं। सर, कितने दिन से पानी की प्रॉब्लम आ रही है? सर, ये पिछले मैडम जी 8 दिन से चल रही है प्रॉब्लम्स रिग्रेसली। जब हमने पूरी शिद्दत के साथ फॉलो अप किया, तब जाके कल एसी साहब के इंटरव्यूइंग से ये हमें सुबह 1 घंटा पानी मिला है। उसमें भी प्रेशर कुछ ज़्यादा नहीं था, लोग सेटिस्फाइड नहीं है। हमारी 3 साल से जो डिमांड चली आ रही है, वो आपके मार्फत से हम एलजी साहब से दोबारा कहना चाहते हैं कि जहाँ पर एक एडिशनल ट्यूबवेल की, बोरवेल की ज़रूरत है, और जिसके लिए हमें हर साल ये एश्योर किया जाता है, एश्योरेंस दी जाती है कि बस ये अगली गर्मी से पहले पहले ये लग जाएगा, मगर हालत ये है कि ये तीसरी गर्मी भी जा रही है। मई में देख रहे हैं आप 41 कल हो गया, और लोग इससे पहले कोई कैजुअल्टी हो, आज लोगों ने सब ने बोला कि हम मिलके गवर्नमेंट के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाएं, ताकि यहाँ बाढ़ चिरुंजा में एक फुल फ्लैज आज के पैरामीटर के हिसाब से पंप लगे, मोटर बोरवेल हो, ताकि पूरा त्रिकुटा नगर निवासियों में किसी की कोई मजूसी ना हो, किसी की जान ना जाए। थैंक यू। कब से ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, जैसे कि 8 दिन पहले से भी ये किस्सा चल? तकरीबन हर समय रहती है, कभी कोई 2-4 दिन रेगुलर पानी आ जाए तो आ जाए। सर्दियों में थोड़ी, गर्मियों में तो जब गर्मी आती है तो बिल्कुल पानी गायब हो जाता है। नहाने के लिए पानी नहीं है, लोग बेचारे बोतलों का पानी लेकर पी रहे हैं, नहाने के लिए बच्चों के लिए पानी नहीं है। जहाँ तक अब तो हम यही कहेंगे, हमें गांव की ओर रुख करना पड़ेगा, कहीं नदी नाले के ना हम अपने कुल्ले बना लेंगे, बाहर रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमने एलजी साहब को ये कहना चाहिए, हमें ये कहना है कि भाई हमें बचाइए, हमें जहाँ से जाने पर मजबूर मत करो, पानी नहीं है, बिजली नहीं, हम यहाँ रहकर करें क्या? गाँव में चले जाएंगे, पीपल के नीचे ठंडी हवा लेंगे और नहर का पानी पियेंगे, वहाँ नहाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं हमें पानी दीजिए, नलका आना चाहिए, प्रेशर आना चाहिए और बोरवेल नया बनना चाहिए। सर, 3 साल से ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है? मैं 25 साल से रह रहा हूँ, यही प्रॉब्लम चल रही है। 25 साल से यही प्रॉब्लम है। शुरू में कुछ बेटर था, अब दिन ब दिन वर्ष होती जा रही। ये जम्मू को बोलते हैं पत्थरों का शहर, तो हम तो कहेंगे हम वी आर लिविंग इन स्टोन एज। हमारे बच्चे बाहर हैं, उनसे बात करते हैं, वो हंसते हैं, कहते हैं आप कैसे गुजारा करते हो, मैंने कहा हम स्टोन एज में रह रहे। यही मैसेज उनको दे, चाहे आप इसको स्मार्ट सिटी बना दे, कुछ बना दे, पानी नहीं बिजली तो फायदा क्या? जब बिल की बात आती है, बिल दे रहे हैं, पैसे पूरे ले लेते हैं, 3-4 बिजली का भी देते हैं, 3,000 रुपया पर पाइप का कनेक्शन का पैसे लेते हैं। सर, आपकी बार बार अपील करने के बाद भी क्या लगता है क्यों सुनवाई नहीं हो? झूठे झांसे दिए जाते हैं जी, आज नया बोरवेल बन रहा है, कल नया बोरवेल बन जाएगा, कल बनता कुछ नहीं है, सब कागज में रह जाता है, ऊपर फाइल जाती नहीं है, बिल्कुल धोखा दे। मैं कहता हूँ ये जो नवाई का अफिसर है, इनको सस्पेंड किया जाए और नए अफसर अपॉइंट किए जाए जो काम करने वाले हों। एडमिनिस्ट्रेशन इरेस्पॉन्सिबल है, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द पीपल्स प्रॉब्लम। सालों से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बड़ी बार आपने शिकायतें भी दर्ज करी, लेकिन अगर बिल की बात की जाए तो वो तो आपसे पूरा एग्रीवेट है, भी रेगुलर प्रॉब्लम तो है, मगर अभी बिल, अभी प्रॉब्लम एग्रीवेट हुई है, तो गर्मियों में हमेशा प्रॉब्लम होती है, अभी इस तरह ज्यादा एग्रीवेट हो गए, 8 दिन से पानी है ही नहीं बिल्कुल। आपने देखा यहाँ पर त्रिकुटा नगर के वार्ड नंबर 54 के स्थानीय निवासियों से हमने बात की, लगातार 3 साल से इन्हें ये प्रॉब्लम जो है जूझनी पड़ रही है। जिस तरह से गर्मी का आगमन होता है तो जम्मू शहर के कई इलाकों में पानी की किल्लत का सामना लगातार लोगों को करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार ये बोलने के बावजूद भी इनकी जो सुनवाई है वो किसी तरीके से कहीं ना कहीं सी कोने में ठप होकर पड़ी हुई है, लेकिन अब जहां पारा 41-42 डिग्री सेल्सियस है और लोगों को इस समय पानी की और बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहीं यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर लगातार हर साल इसी तरह से जब गर्मियों की शुरुआत होती है उन्हें इसी तरह पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है, और जिस तरह से भीषण ये गर्मी पड़ रही है और ऐसे में अगर इसी तरह के हालात रहे तो आगे वाला समय जो है वो दिन ब दिन बदतर होता चला जाएगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में, इस प्रोटेस्ट के बारे में, और किन किन एरियाज में अभी तक पानी नहीं आ रहा है, आप हमें जरूर मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।